अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ड्रामा सीरियल खुद परस्त का आज का एपिसोड तो आप लोगों ने यकीनन देख लिया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हर कोई अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। हाँ जी, उस्वा ने अदील से शादी के लिए हाँ कर दी और यहाँ पर उस्वा का अंजाम शुरू हो गया है। उस्वा ने अदील से शादी के लिए हाँ कर दी तो अदील बहुत ज़्यादा खुश होता है। हालांकि उस्वा की बहन ने उसे मना भी किया था कि अदील से शादी ना करना वरना पछताओगी, लेकिन उस्वा कहती है कि अब मैं नहीं पछताने वाली, मैं जो फैसला करूँगी खुद करूँगी। और यूँ उस्वा की शादी हो जाती है। अदील से हनान जब उन दोनों को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान और अफसरदा हो जाता है। उस्वा बहुत खुश होती हैं और उसकी अम्मी भी उसकी हौसला अफजाई करती हैं कि अदील बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो दूसरी तरफ मुईज़ ने नाजिश से शादी तो कर ली, लेकिन नाजिश ने तो घर की काया ही पलट दी। वो इस घर को अपना घर समझती हैं, इसकी मालकन जानती हैं खुद को, और वो अपनी सास से कहती हैं कि अब इस घर की मालकन मैं हूँ, आपका इस घर पर कोई हक नहीं है। उसकी सास अंधी हो चुकी है। हाँ जी, वो अपनी बिनाई खो चुकी हैं और यहाँ पे उनकी सजा शुरू हो गई है। उनकी बहू उन्हें किसी काते में ही नहीं लाती, उन्हें धक्का देकर कमरे में बंद कर देती हैं और कहती हैं खबरदार जो किसी मामले में बोलने की कोशिश की। तो उसकी सास कहती है कि अगर मेरी आंखों में थोड़ी भी रोशनी आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अब उनकी रोशनी